डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वावधान में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मैच में स्टार स्पोर्टिंग क्लब भगवानपुर ने सीएफसीटी चरगावा को 4-0 से तथा राजपूत स्पोर्टिंग क्लब पीपीगंज को आदर्श क्लब बेलवार ने 3-0 से पराजित किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नेलाल यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नेलाल यादव ने कहा, निर्णायक मंडल कृपया मैच को शुभकामनाएं मैं प्राप्त करते हुए हमारे मीडिया बंधु हैं, अपने कमरे में देखिए आयोजन समिति को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। चूंकि ये खेल बंगाल का है, गोरखपुर में ये प्रतियोगिता करा करके यहाँ की कमेटी ने ना बहुत ही अच्छा काम किया है। बड़ा अच्छा लगा कि गांव-गांव से टीम आई है फुटबॉल की, और फुटबॉल का निश्चित ही राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं ये लोग। गोरखपुर तो खेलों का गढ़ है, हर खेलों में राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हुए हैं, फुटबॉल में भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और खेल का विकास होगा। युवाओं से मेरा यह निवेदन है कि जीवन में खिलाड़ी कहीं भी बन सकता है, जहां वो मन लगा ले। खिलाड़ियों से आग्रह करेंगे कि खिलाड़ियों के लिए एक संदेश है, दूरदृष्टि, लक्ष्य बनाइए, पक्का इरादा, जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसको करने के लिए हर तरह से संकल्पित हो जाइए, और कठिन परिश्रम, दुनिया का सबसे कठिन परिश्रम करके आप अपने सफलता को हासिल करें। यही हमारी आपसे निवेदन और प्रार्थना है, शुभकामना है।